सेगांव के समीप कतनारवाड़ी में ग्रामीणों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिवस प्यास पीठ से पंडित गोविंद प्रसाद दुबे ने बताया कि पुण्य आदमी का धन त्रिकाल में और पापी का धन अस्पताल में, यह मैं नहीं कह रहा, यह भागवत कह रही है। अपनी कमाई से अर्जित धन का 10% दान करता है, उसका धन शुद्ध हो जाता है। और जो व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है और दान नहीं करता, उसका धन अस्पताल में लगता है। आज नारी बच्चे को जन्म जरूर दे देती है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाती है। देव की माता ने कपिल मुनि जैसे संत को जन्म दिया है। पंडित श्री दुबे ने आगे कहा कि संत को जन्म देने के लिए माताओं का पुण्य मजबूत होना चाहिए। जब संत का जन्म होता है तो माताओं का पुण्य उदय होता है। वहीं भीषण गर्मी और तापमान 46 व 47 डिग्री सेल्सियस में भी ग्राम के महिला पुरुष दोपहर 11 से 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। यह भी चमत्कार से कम नहीं है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।